लेकिन आपका चेहरा अतीक से मिल रहा है बहुत। अरे वह बांधियो सर एक पैसा साहब। पहले कोई बोला आपको अतीक डुप्लीकेट लगते हैं? नहीं कोई बोलेगा क्यों, हम अपने लगते हैं क्यों? हम अतीक आपके साथ पड़ा हुआ है, साथ में मोछा रखे आप लोग क्या? ना मोछे तो हम लोग रखते हैं ना। क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, तो कोई रोड नहीं बनवाए हैं, ये भी प्रधान थे तो ये भी कोई रोड नहीं बनवाए हैं। प्रधान जी देखे पैसा लूट के रखे हैं। अरे चलाइए चलाइए। 5 साल जब हम रहे हैं उसमें समझिए कोई दिक्कतें नहीं हुआ है। ये भी प्रधान थे तो ये भी कोई रोड नहीं बनवाए हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसोल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसोल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर वन ब्रांड। इसमें काम किया है कि सब उसके काम के प्रति सहानुभूति रखते हैं, भाजपा के प्रति सहानुभूति रखते हैं लोग जी। क्यों भैया? इसलिए अयोध्या का जो है कि नहीं काम किया, हाँ। बाबरी मस्जिद वाला जो इतना पुराना जो है कि नहीं जटिल समस्या था, 371 वाला काम किया, 370 वाला हाँ। और ये मुसलमानों का जो तलाक वाला विषय था उसका भी हल किया, ऐसा वैसा बहुत अच्छा काम किया। तो आप मुसलमान हैं? नहीं हिंदू हैं। 370 से 370 के बारे में पता है आपको क्या? 370 मैंने देश में जहाँ से लोगों की परेशानी होती है उसकी समस्या अगर कोई करता है तो उसके पक्ष में हम हैं। देश 370 से गाजीपुर के गहमर के लोगों को क्या परेशानी थी? निशान गहमर का विषय नहीं है, वहाँ के जो कश्मीर के लोगों में दिक्कत थी उसकी समस्या तो हल हुई है। हाँ गाजीपुर से क्या मतलब है? गाजीपुर के लोग वो भले वहाँ पर गए हों लेकिन देश में देश की समस्या है। देश की समस्या। क्या नाम है नेताजी आपका? हमारा नाम प्रेम नारायण सिंह है। प्रेम जी आपका नाम क्या भैया? मुरली कुशवाहा। मुरली कुशवाहा, पूर्व प्रधान गहमर। पूर्व प्रधान गहमर। तो भैया सही कह रहे हैं 370 से देश सुधरा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में और देश हित में हमेशा बात करती है, जैसे कि चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो। हम लोग अभी सपा और बसपा की सरकार थी बहुत पहले, तो जो ये आज रोड ये देख रहे हैं इस पर समझिए कि गाड़ी ऐसे चलती थी मालूम होता था कि गाड़ी है। हाँ दूसरी बात झूला है के तरह। हाँ झूला के तरह। और समझिए कि मालूम होता था, यहाँ तक कि यहाँ पर अनशन प्रदर्शन हमने 200 बार किया है रोड के लिए। इसके बाद समझिए कि दुल्हा दुल्हन प्रदर्शन किए हैं। दुल्हा दुल्हन तक प्रदर्शन कर दिए? अरे बाप रे बाप, ऐसा क्यों हुआ? प्रदर्शन किए क्योंकि रोड खराब था। गंगा पुजैया के पहले प्रदर्शन? हाँ। इसके बाद समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस रोड को लेकर के और यहाँ से लेकर के गाजीपुर तक प्रदर्शन करते चले गए। अच्छा। गाजीपुर मीटिंग हुआ, बहुत ही हुआ, तब जा कर के जो आज हम लोग आपके सामने रोड देख रहे हैं उन्हीं माने भाजपा की देन है। तो सपा बसपा वाले काम कहा नहीं करवाते थे? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि सपा और बसपा एक पार्टी ये नहीं है, एक गुंडों का जमावड़ा है। अच्छा ऐसा है? नहीं ये विषय नहीं, उन लोगों के क्षेत्र में ऐसा जो है कि नहीं दिखाई नहीं दिया कि इतना भयंकर जो है कि नहीं रास्ता खराब है, इसको पहले से दुरुस्त करें। ये जो है कि नहीं इधर के लोग इतना अनशन के इतना अनशन तो भैया बता दिए जी, लेकिन हम बोल रहे हैं भैया बोल रहे हैं सपा बसपा में गुंडे थे बहुत। गुंडा शब्द हम नहीं कहेंगे, किसी को जो है कि नहीं खराब कहना अच्छा नहीं है, लेकिन गुंडा नहीं कह रहे हैं। नहीं उनको कहे या ना कहे मैं कह रहा हूँ कि सभी कह रहे हैं गुंडा, आप नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं है वो, गुंडों का एक जमावड़ा है, पूरा प्रदेश के गुंडों को बुला करके एक समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी में केवल कांग्रेस सही कह रही है। कांग्रेस बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गुंडों का जमावड़ा है। अब गुंडों का जमावड़ा था अब नहीं है, बाबा जी के शासन में खत्म हो गया। अच्छा। हाँ बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हो गया है बहुत। आप अभी गुंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी भी? नहीं सर हम गुंडा शब्द नहीं बोलेंगे। तो फौजी हैं का गुंडा से साठगांठ होगा इनका? कहुआ बो आप पहुंचे भी निकले
कौन है देश खाली गुंडा तो फौजी है फौजी क्या मामला है उनका अब वही ना बता पाएंगे वही जान पाएंगे अंदरूनी चीज के कोई नहीं जान पाएगा साहब गुंडा कह दीजिए दबाव है समाज का नहीं सर गुंडा हम नहीं वो भी हमारे भाई हैं ये भी हमारे भाई हैं समाजवादी पार्टी से कहिए आपके संगी है पुराने ना नहीं नहीं संगी नहीं है संगी भी नहीं कहा गया ये कुछ जो है कारणों से नहीं कहते होंगे कारण होगा अब पर्सनल डर होगा उनका डर है प्रेम जी आपको नहीं सर डर ऐसा कुछ विषय नहीं है डर नहीं है डर किस बात का गुंडा कहने में डर क्या है गुंडा कैसे कहे गुंडा अगर कहा जाता तो गुंडा देश का नेता होता है गुंडा तो गुंडा और नेता किसको वो तो नेता है गुंडा नहीं है गुंडा नहीं है नेता को गुंडा कहना गलत है काई बच्चिया उनकर खुला जाए किनसे पूछे उन्हीं से ये सब बोल रहे हैं कि गुंडों का नाम लेने में डर लगता है यहाँ पे ऐसा है क्या नहीं ऐसा नहीं है लोग अब शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं अच्छे लोग बचते हैं अच्छा ये बताइए सपा बसपा के राज में भैया तो बोल दिया कि सब गुंडों का राज था गुंडा पाले हुए थे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग उधर ऐसा बात नहीं है यदि सपा गुंडा रहता तो पिछली बार अफजल अंसारी नहीं जीतते और इस बार भी लिख के ले लीजिए ललन टॉप के एडिटर साहब कि इस पत्रकार है अरे बहुत बड़े पत्रकार है ये लिख लीजिए कि इस बार भी अफजल अंसारी जीतने जा रहे हैं अफजल अंसारी का तो केस चल रहा है हाँ केस चल रहा है तो जीतेगा नहीं रहेगा तो उसकी लड़की आ जाएगी हाँ विकल्प है उसका विकल्प क्या है विकल्प उसकी लड़की है जो निर्दल अभी भरी हुई है छड़ी के निशान पे छड़ी है नहीं पहले आप बताइए आपको क्या दिक्कत है आप सबको बुलवा रहे हैं अपने नहीं बोल रहे हैं जब सपा बसपा की सरकार थी उस समय बैलेट पेपर से किया जाता था वोट बैलेट पेपर से वोट चलता था और ये गुंडे खड़ा होकर के बूथ कैप्चर करके जीत जाते थे और सरकार बना देते थे अब भाजपा के सब शरीफ लोग हैं वो गुंडे ही पर नहीं उतरे हैं और जब बाबा जोगी जी ने संसद में रो दिया था और उन्होंने कहा था कि जो है आज जब हम आएंगे तो एकदम सुधार करेंगे अब और सुधार हो चुका है पहले बैलेट से चुनाव होता तो गड़बड़ी होती थी अब सही हो रहा है सब देखिए सही तभी होगा जब अधिकार रहेगा चुनाव आयोग को चुनाव आयोग के पास अधिकार रहेगा हाँ, चुनाव आयोग का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छीन लिया हाँ कैसे किया ऐसे कैसे छीन लिया पहले था कि एक प्रधानमंत्री रहेंगे उसमें विपक्ष का नेता रहेगा और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पास कर दिया कि नहीं प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट का हमारा ही मंत्री और उसके बाद एक विपक्ष का नेता तो तीन में दो जब रहेंगे तो अरे यार अभी बोल रहे थे गाली वाली देना आप सब बुरी बात होती है अब वही अपन यह गाली दे दिए प्रेम जी बोले आप बोल रहे थे वहाँ पे गुंडा उंडा गप शब्द नहीं बोलते हम लोग नहीं प्रेम जी बोल रहे हैं अच्छा आप बोल सकते हैं गाली नहीं हम क्यों बोल सकते आप बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते गांव बुद्धिजीवियों का गांव है अच्छा अभी बुद्धिजीवी इतना गाली नहीं देते हैं इसे मत कहिए हाँ तो यहाँ पर भाजपा ने कुछ किया नहीं थोड़ा सा भावुक हो गए हैं बात करने में इसलिए थोड़ा सा जबान फिसल गया तो चुनाव आयोग को आप स्वतंत्र न मानिए कहीं ना कहीं इंटेंगल है वो सरकारी पक्ष से गाली जो दिए हैं मोदी सुन लेंगे तब क्या कर लेगा अरे जेल पुलिस सब हो जाएगा कुछ नहीं करेगा वो बहुत डरपोक प्रधानमंत्री है देश का बहुत बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगा रहे हैं डरपोक हैं तो आप क्यों क्यों लगा रहे हैं सर जब क्या कारण है कारण क्या है आपके कारण है ना जब जब डरता है ईडी सीबीआई को सामने करता है अपने बैक हो जाता है होते तो 370 धारा जो है कि नहीं खत्म नहीं होता बाबरी मस्जिद नहीं खत्म होता अरे बाबरी मस्जिद नहीं खत्म होता गुंडा भाग गए प्रदेश को छोड़ करके देश को छोड़ करके अब इसे क्या सब लोग शांति से जी रहे हैं हमारे एक नंबर में चल रहा जितने गुंडे थे वो लोग पलायन हो गए कौन गुंडा था अभी गुंडे से बोले गुंडा बोले गुंडा बोले नेता को गुंडा नहीं बोले गुंडा को गुंडा जो था वो गुंडा तो था ही अतिक अहमद गुंडा नहीं था तो क्या था अतिक अहमद गुंडा नहीं थे तो क्या थे बताइए तो सब खत्म हो गया
कजा फंस गए तीन भाजपाइयों के बीच में अकेले। नहीं हम बोल रहे हैं ना, यहाँ से भाजपा कतई नहीं जीतेगी, ये नोट कर लीजिए आप। आप पत्रकार हैं, यहाँ पर जितनी ट्रेनें लगती थी गहमर में पहले सबको कैंसिल करा दिया एक विशेष व्यक्ति ने। कौन वो विशेष व्यक्ति समझिए, वो इस समय LG है। नाम लीजिए। अरे वो है मनोज सिन्हा है। हाँ, उनसे कहा गया कि थोड़ा प्रयास कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब दूर हो गया हूँ, LG हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इससे गांव के लोगों में काफ़ी हताशा है। पूरे गांव हमारा और इर्द गिर्द के पूरा इलाका जो है कि नहीं, ट्रेन के लेकर के हम लोग बहुत जो है कि नहीं प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है हम लोग के साथ में। कोरोना का झांसा मिला कि कोरोना में जो है कि नहीं इस तरह का डिस्टर्ब हुआ, उसका झांसा आज तक हम लोग झेल रहे हैं। क्या पूरा देश झेल रहा है? पूरा देश झेल तो नहीं रहा, हम लोग झेल रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है मानवर, यहाँ पर ट्रेन के लेकर हम लोग और इलाके के लोग बहुत ही दुखी हैं। जितनी ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी अब कोई ट्रेन नहीं रुक रही है। आप लोग आपस में दोस्ती है ना आप लोग की? चाचा इस पर ये क्या बैठे थे, किस चीज़ों बैठे थे? IVF क्रिस्टा IVF इस पर बैठे हुए थे। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा के हम प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, भाजपा के हम लोग वरिष्ठ नेता हैं। इसके बावजूद भी ट्रेन भदौरा और गहमर न रुकने के वजह से जो हमारी ट्रेनें थी उसकी बच्चे मांग कर रहे थे। भाजपा के समर्थन में कि विरोध में, पहले ये बताइए। हम लोग प्रदर्शन में थे और जो है उस समय हम लोग गलत नीति के वजह से वहाँ विरोध किए थे, मैं भी था वहाँ पर। हाँ, मैं मानता हूँ कि ट्रेन न रुकना ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जो ट्रेनें रुक रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं साहब। और क्या माहौल है साहब यहाँ पे, कैसा माहौल? चुनाव भैया, इसमें 25-30 हज़ार वोट होगा यहाँ पे गहमर में। 27 हज़ार के आसपास, ठीक है। अब इसमें सारे बिरादरियों के लोग हैं, अब अलग अलग, कोई भाजपा कोई सपा, कुछ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपस में दोस्त हैं ये लोग? हाँ, आपस में दोस्त हैं, बचपन से दोस्त हैं। यहाँ हर पार्टी के लोग बैठते हैं और आप लोग दोस्त हैं आपस में? जाएंगे तो हम लोग बैठेंगे और जो है एक ही साथ। बीजेपी, इनको बीजेपी में क्यों ज्वाइन करा देते हैं? बीजेपी ये ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कांग्रेसी पहले के जब के हैं ये, वो नहीं ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, मरेंगे उसी में लपटा कर फेंकाएंगे। आप इनको बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करा दे रहे हैं? हाँ, आप इनको कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करा देना है? अरे भाई, अपना अपना विचार है, मत है, करवा लीजिए अच्छे से। नहीं, विचारों का ही ना दुनिया है, विचारों पर ही राज किया जाता है। बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ज्वाइन कर लेते हैं, पुराने पुराने कर रहे हैं, तो आज नेताओं का क्या हालत है देख लीजिए। नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। सर, कैसे कह रहे हैं, किसी को राम अच्छा लगते हैं, किसी को रहीम अच्छा लगते हैं। ये बात सही बोले, किसी को राम अच्छा लगते हैं, किसी को रहीम अच्छा लगते हैं। आप कहिए कि रहीम को राम मान लो और राम को कहिए कि रहीम मान लो, ये कैसे हो सकता है सर? हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए चुनाव में? नहीं नहीं, ये वो तो जातिगत जो अपना समीकरण है वो अलग है, इससे मतलब नहीं। कौन सपा के नेता है? नेता नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ, सुनील सिंह गहमरी। इस बार परिवर्तन जरूरी है, इंडिया गठबंधन 300+ चल रहा है। 300+ चल रहा है? हाँ। ये भैया बोल रहे थे अभी सपा बसपा में गुंडे हैं, भैया बोल रहे थे गुंडे होते तो पूर्व प्रधान है ना अब तो, भैया पूर्व प्रधान है। अरे लीजिए, अब तो बड़ी बात हो गई। समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी समाजवादी पार्टी है, वो अपने समाज हित में अच्छा से अपना काम करते हैं। गुंडा लोग तो भाजपा ही लोग हैं, अभी देख रहे हैं अफजाल अंसारी का कहला वहाँ पर रैली हो रहा है, आ उधर कोई गुंडा लोग अंडरसन कुल गाली दे रहे हैं कुल। ये सब अंसारी गुंडे थे कि नहीं थे? मुख्तार अंसारी तो गुंडा थे, कहाँ थे वो, जहाँ थे वहाँ चले गए, उनसे क्या मतलब? देवता थे। आपका चेहरा अतीक से मिल रहा है बहुत। वहीं से पढ़ा है ना अतीक, हमारे साथ पढ़ा है अतीक, आपके साथ पढ़ा हुआ है, साथ में मोछा रखे आप लोग क्या? ना मोछे तो हम लोग रखते हैं ना, मेरे पास मोछे। एक सेकंड, मैं गलत तो नहीं बोला मैंने? इनका चेहरा अतीक से मिल रहा है कि नहीं? इनका भाई है, देखिए। नहीं नहीं, ये सब नहीं बोलिए, चेहरा अतीक से मिल रहा है कि नहीं? एक ही दल के ना, अपना हम लोग अपना दल के थे ना पहले। हाँ, हम अतीक। हाँ, आप अतीक के साथ पढ़े हैं? हाँ हाँ। कहाँ पे? इलाहाबाद। साथे में? हाँ। उन क्लास कब से कब तक? अब ये तो नहीं बता दो, पढ़ा है वो 8-9 तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अरे कौन से कौन क्लास में साथ में पढ़े? वो हम लोग 9 में पढ़ा है। अच्छा, तब से गुंडे ही करता था अतीक?
अरे उसी से वो उसका बाप एतु चलाता था ना, इक्का चलाता था। इक्का चलाता था। हाँ। नहीं मालिक ऐसे नहीं बोलिए, अभी बुलडोजर आएगा। अरे तो बड़ा खुलासा हो गया, तो वायरल हो जाएंगे आप लोगों का। वायरल हो करके क्या करेंगे, पहले कोई बोला आपको? चले गए जोगी बाबा का सरकार है। हाँ चले गए, अति का पति सब चले गए, अब सब चले जाएंगे। हाँ हाँ बाबा का सरकार है। क्या बोल रहे हैं? कहने की इस बार पूर्वांचल से बीजेपी का सुपाड़ा साफ है। और नोट कर लीजिए, 4 तारीख को हमारा नंबर नोट कर लीजिए भाई, 4 तारीख को हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, अपना दे दीजिए। बोलिए बात पहले आ जाए भाई। पूरे उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल से इस पर बीजेपी का सुपाड़ा साफ है, लिख लीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ बताइए, लोग फोन करेंगे। हमारे गाँव के हम मिठाई खाएंगे, आप तो चले जाएंगे। मेरे पास जमा कराई, हम लोग प्रधान जी के पास जमा कराई। प्रधान जी के काय के लिए जमा करेंगे? 543 सीट आ रहा है इंडिया गठबंधन का ना, गठबंधन का सरकार। हम बोल दें ना, 300+ में हम लोग चल रहे हैं। पैसा दे रहे हैं भैया, पैसा है तो पैसा इनसे ले लीजिए। अपने अपने लोकसभा का ठिकान ही नहीं है, और 303 का हम कहाँ दे दें? अपना का तो ठिकान ही नहीं कि कौन यहाँ पे जीतेगा। अब 303 का हम लोग ब्यौरा दे रहे हैं, हम अपने पारस को चाहे उनको चाहे उनको किसी को जीता ले, वही बड़ी बात है। आई अफजाल अंसारी तो 5 वर्ष में इतना काम किए ना कि उनका नाम सब ले रहे हैं ना। काम कराए अफजाल अंसारी? वो कराए तो वो ना जानते हैं। अरे आप लोग नहीं पता चल रहा है? हम लोग को तो पता नहीं है। सांसद रहे हैं, किसी दिन अगर गहमर में 5 साल में आए हो या क्षेत्र में आए हो तो जो कहेंगे हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। इस क्षेत्र को एकदम उजाड़ दिया है, क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। तो कोई रोड नहीं बनवाए हैं, ये भी प्रधान थे तो ये भी कोई रोड नहीं बनवाए हैं। ये भी प्रधान थे तो कोई रोड नहीं बनवाए हैं। अरे यार प्रधान जी देखिए, पैसा लूट के रखे हैं। अरे चलाइए चलाइए। 5 साल जब हम रहे हैं उसमें समझिए कोई दिक्कतें नहीं हुआ है, किसी जनता को दिक्कत नहीं हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं आपके यहाँ के? अरे भाई ये लोग हैं सपा, कहें सपा के गुंडे हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। चार प्रतिद्वंदी रहे होंगे। भाजपा जीतेगी, हर काम किया है, और 400 पार उसका जो नारा है वह निश्चित होकर रहेगा, आज ही मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हाँ भैया सही कह रहे हैं, 400 पार का सब झूठ है, सब झूठ है। 400 पार अगर हो जाएगा ना, सब झूठ है। इतने आदमी के बीच में बोलता हो क्या, आजीवन इनके पार्टी में मैं एकदम मिल जाऊंगा, समर्थन दे दूंगा। पार्टी में काहे के मिलबो उनका, पार्टी में मिल के क्या करबा? देख लीजिएगा अगर चुनाव बदल गया तो। नहीं अब 400 नहीं होगा तब का बातें छोड़िए, सरकार बन जाए तो ये भाजपा में आ जाएंगे भैया। हाँ हम लोग भी सपाइये हैं, बाकी हम लोग सपाइये हैं, बाकी सपा के संग नहीं है, हम लोग तो जो विकास के उसके संग है बस। कहा सफेद ना, घर है, घर पे है। ये है, वो है, वो है। अरे वो बोला बोला बोला। अरे नहीं नहीं ये वाला, ये वाला सही है। अरे वाला गमछा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं ये लगाई सर पे, कफन वाला गमछा है। अरे नहीं नहीं, अरे वो बांधियो सर, एक पे सर अतिक वाला पट्टी का मजा। अरे गजब बार अतिक भाई साहब, एकदम अतिक। ठीक है ना, खोले? ठीक दीजिए। पहले कोई बोला आपको अतिक डुप्लीकेट लगते हैं? नहीं कोई बोलेगा क्यों, हम अपने लगते हैं कि वो लगे क्या? हम वास्तव में अतिक का डुप्लीकेट। अरे आपका भी शर्त फंस गया है, हमसे आपसे बातें नहीं करेंगे आप। दो सर हम तो बोल दिए, ये प्लस में हो गए, हम लोग माइनस में हो गए। हम तो 543 का फिर में कि इंडिया गठबंधन का हो रहा है, कोई नहीं जीत रहा है। फुफरा साहब गाजीपुर के लोग हैं भाई, ऐसा ही बात करेंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।